Hey, good morning, my dear students. I'm your English teacher, Mr. Vaibhav sir, and today I'm going to explain you English Bal Bharati Standard 6, VH 1. And here is the lesson number 1.2. Who's the greatest? Who's here? Who's comes? That is, who is? यहाँ पे apostrophe s दिख रहा है ना? तो उसको कैसे read करना होता है? Who's? और उसका meaning होता है who is? Okay? So who's the greatest? सबसे महान कौन है? ऐसा इस लेसन का नाम है. इन दिस स्टोरी बिलोंग्स टू अकबर एंड बीरबल. यह स्टोरी में अकबर और बीरबल है जिनकी यह स्टोरी है. इस स्टोरी में दो स्टोरियाँ दी हुई है तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट स्टार्ट. आई विल रीड दिस स्टोरी एंड एक्सप्लेन ऑल्सो. एम्परर अकबर और अकबर द ग्रेट इज नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में अकबर या सम्राट अकबर जिसे कह सकते हैं महान राजा कहलाता है. क्यों कहलाता है वह महान? ग्रेटेस्ट क्यों कहलाता है? नॉट जस्ट बिकॉज ही हैड अ वास्ट एम्पायर. वास्ट मीन्स बिग, सबसे बड़ा. ओके, सो उसका जो एम्पायर है, एम्पायर मीन्स साम्राज्य, उसका साम्राज्य बड़ा होने के लिए उसे महान कहा जाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं कहा जाता. अ वेरी स्ट्रांग आर्मी, उसके पास बहुत स्ट्रांग आर्मी थी, मीन्स उसका बहुत बड़ा सैन्य था, उसके पास बहुत हाथी घोड़े या फिर सैनिक थे, इसलिए उसे महान कहा जाता है? नहीं. अनटोल्ड वेल्थ, वेल्थ में संपत्ति, धन दौलत, पैसा. ओके, सो उसके पास, वह बहुत ही अमीर राजा था, बहुत संपत्ति वाला, पैसे वाला आदमी था, ऐसा कुछ है? इस वजह से वह ग्रेटेस्ट था क्या? तो नहीं था. तो क्यों था वह महान? बट बिकॉज ही वॉज अ गुड ह्यूमन बींग. क्यों था वह महान? क्योंकि वह गुड ह्यूमन बींग था, वह मानवता का पुजारी था, वह उसे इंसानों की परख थी. सो दैट्स वाई ही इज़ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड. ओके, ही केयर्ड फॉर हिज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स पीपल, जनता, जो प्रजा होती है, दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट. ही केयर्ड फॉर हिज सब्जेक्ट, वह अपनी प्रजा के हित के बारे में ही हमेशा सोचता था. प्रजा के हित का ही उसे सबसे पहले, उसका वही प्रियोरिटी थी कि अपने प्रजा को क्या रखना, खुश रखना, अच्छा रखना. ही हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर स्कॉलर्स. स्कॉलर्स मीन्स जो इंटेलिजेंट पीपल्स थे, जो बुद्धिमान लोग थे, दैट्स कॉल्ड स्कॉलर्स. सो ही हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट, वह बहुत ही सम्मान करता था किसका? स्कॉलर्स का, मीन्स जो बुद्धिमान लोग थे उनका. राइटर्स, जो लेखक थे, पोएट्स, कवि एंड आर्टिस्ट बिलोंगिंग टू द टू डिफरेंट रिलीजन्स. और आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मीन्स जो कोई भी कलाकार थे, जैसे ड्राइंग करने वाले, पेंटिंग करने वाले, सिंगिंग करने वाले या फिर डांसिंग करने वाले, जो कोई भी आर्टिस्ट थे, चाहे फिर वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, तो वह उनका क्या करता था? सम्मान करता था. ही वॉज अ पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड कल्चर. उसने अपने राज्य में बहुत से ऐसे कलाकारों को क्या दी हुई थी? पनाह दी थी. पैट्रॉन मीन्स पनाह देना. ओके, सो उसने अपने राज्य में उसे ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स लोगों को या फिर आर्टिस्ट लोगों को क्या दी थी? पनाह दी थी उसने अपने राज्य में. द नाइन जेम्स, नाइन जेम्स, जेम्स मीन्स रत्न. ओके, नाइन जेम्स और नवरत्न इन हिज कोर्ट वर फेमस. सो ये जो नवरत्न है, ये अकबर के दरबार के फेमस है. नवरत्न मीन्स नौ लोग थे डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी में, वो महान थे. जैसे यहाँ पे हमने बताया ना, स्कॉलर्स, राइटर्स, पोएट एंड आर्टिस्ट, वैसे ही नाइन फैकल्टीज़ के, नाइन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के वो पीपल थे जो अपने इस क्षेत्र में निपुण थे. उसमें बीरबल भी आता है, तानसेन भी आता है, तानसेन सिंगिंग के लिए फेमस था, टोडरमल, ऐसे बहुत सारे नाइन लोग थे जो फेमस थे. आप गूगल करेंगे तो आपको ये नाइन जेम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, उनकी लिस्ट मिल जाएंगी आपके, उनको उनके नाम मिल जाएंगे. यू कैन सर्च ऑन गूगल ऑल्सो. सो उसके पास यह नवरत्न थे जो बहुत ही फेमस थे, बहुत ही पहचान में थे, ख्याति थी उनकी, उन नवरत्न की. मैनी पीपल बिलीव दैट ऑफ दीज नाइन जेम्स बीरबल वॉज द क्लोजेस्ट टू द एम्परर्स हार्ट. सो बहुत सारे लोगों का मानना ये था कि जो बीरबल है इन नाइन जेम्स में से, वह राजा अकबर के बहुत ही नज़दीक था, राजा अकबर उसे बहुत पसंद करते थे, ऐसा सबका कहना था, सबका मानना था. क्यों मानना था? अकबर लव टू पोज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स इन हिज कोर्ट. अकबर हमेशा अपने कोर्ट में, कोर्ट मीन्स उसका जो दरबार होता था उसमें, वहाँ पे वह हर बार कोई ना कोई नया क्वेश्चन या फिर कोई प्रॉब्लम लेके आता था और अपने मंत्रियों को वहाँ पे पूछता था. एंड बीरबल नेवर फेल्ड टू कम अप विथ एन इक्वली इंटरेस्टिंग आंसर. और हर बार बीरबल जो है उसका सही आंसर देता था या फिर सही हल बताता था. इसलिए बीरबल जो था वो अकबर के सबसे क्लोज था, अकबर उसे सबसे ज़्यादा पसंद करते थे. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ.
We don't know whether all the Akbar and Birbal stories that we hear today have any basis in the history. इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है हिस्ट्री में, इतिहास में, कि ये जो अकबर बीरबल की स्टोरियाँ हम सुनते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, वह सच है या झूठ है, क्योंकि उसका कोई लिखित भी प्रमाण यहाँ पे हिस्ट्री में नहीं है. दे हैव बीन हैंडेड डाउन ओवर जनरेशन्स मेनली बाय वर्ड ऑफ माउथ. और वह जो स्टोरिया है वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, माउथ टू माउथ मीन्स ओरली, एक दूसरे को सिर्फ बताई गई है और वही वैसे ही वह पास हुई है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक. वह लिखित नहीं है, सिर्फ मौखिक रूप से बताई गई है. हेयर आर टू ऑफ देम. और यहाँ पे दो स्टोरियाँ दी हुई है उन्हीं स्टोरी में से जो हम बचपन में सुनते आ रहे हैं अकबर बीरबल की. तो यहाँ पे दो स्टोरियाँ दी हुई है. तो पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम लोग. ओके. वन डे, एक दिन क्या हुआ, द एम्परर एंटर द कोर्ट. जो राजा है अकबर वह क्या हुआ, कोर्ट में आ गया, उसके दरबार में आ गया. विथ अ वेरी सीरियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस. उसके चेहरे पे बहुत ही गंभीर मुद्रा थी. सीरियस मीन्स गंभीर एंड एक्सप्रेशन मीन्स मुद्रा है. ओके. वह बहुत ही सीरियस था. क्यों सीरियस था? एज सून एज ही वॉज सीटेड, जैसे ही वह अपनी सीट पे, अपने सिंहासन पे बैठ गया, ही सेड, वह कहने लगा, उसने पूछा, क्या पूछा, वह बोला, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. मेरे पास एक क्वेश्चन है, मुझे आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना है. क्या क्वेश्चन था वह? व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु पुल्स माय मुस्ताच. मुस्ताच मीन्स मूछे. ओके. सो क्या कहने लगा अकबर कि व्हाट शुड बी द पनिशमेंट, क्या पनिशमेंट दी जाए फॉर समवन हु पुल्स माय मुस्ताच, जिसने मेरी, किसी ने अगर मेरी मूछे खींची है तो उसे क्या पनिशमेंट दी जाए. ऐसा क्वेश्चन जो है, ऐसा प्रश्न जो है राजा अकबर ने अपने कोर्ट में प्रेजेंट किया, पूछा अपने मंत्रियों से. द कोर्ट वॉज स्टंड. पूरा कोर्ट जो था, उसका जो पूरा दरबार था, वो क्या हो गया, स्टंड हो गया, मीन्स शॉक हो गया, सरप्राइज हो गया, साइलेंट हो गया. सो पुल द एम्परर्स मुस्ताच. कौन है जो राजा की मूछे खींच सकता है? इट वॉज अनहर्ड ऑफ. वह कभी ऐसा सुन ही नहीं सकते कि किसी में इतनी हिम्मत हो सकती है कि राजा की मूछे खींच सके. सो फ्लॉग हिम. उसे क्या किया जाए, उसे भगा दिया जाए. गिव हिम अ 50 लैशेस ऑफ द वाइप. जो पुराने ज़माने में जिसे हम चाबुक कहते हैं, उसे कोड़े कहते थे, ठीक है. सो उस कोड़े के कितने लैशेस दिए जाए, 50 लैशेस मीन्स 50 बार उसको उस कोड़े से मारा जाए. एक्सक्लेम वन नोबल मैन. वहाँ पे मंत्री जो बैठे हुए थे उसके दरबार में, उसमें से एक मंत्री ने उठ के, एक दरबारी ने उठ के क्या बताया कि उसे 50 लैशेस दिए जाए. किसके? वो कोड़े, कोड़े से उसे 50 बार मारा जाए. दैट्स नॉट इनफ. वह कहने, दैट्स नॉट इनफ, पुट हिम इन अ जेल विदाउट फूड एंड वाटर, सेड अनदर. तो दूसरा आदमी खड़ा हुआ, दूसरा मंत्री खड़ा हुआ, और वह कहने लगा कि उसे यह सिर्फ कोड़े मारना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे जेल में डालो. पुट हिम इन अ जेल. कैसे डालना है जेल में? विदाउट फूड एंड वाटर, बिना खाना पानी दिए उसे जेल में डाल दो. वाइप हिम, मारो उसे. बीट हिम, वही मारो उसे. वाइप मीन्स कोड़े से मारना, और बीट हिम मीन्स वैसे मारना. ओके. नाउ हैंग हिम. हैंग हिम मीन्स उसे फांसी पे लटका दो. हैंग मीन्स फांसी पे लटकाना. कट ऑफ हिज ऑफेंडेड हैंड्स. ऑफेंडेड मीन्स जिन हाथों ने गुनाह किया है, गुनहगार. ओके. ऑफेंडेड मीन्स गुनहगार. कट ऑफ हिज ऑफेंडेड हैंड्स. जिन हाथों ने यह गुनाह किया है राजा की मूछे खींचने का, उन हाथों को क्या किया जाए, कट किया जाए. द एग्रीटेटेड कॉर्टियर्स बिगेन टू क्राई आउट. एग्रीटेटेड मीन्स गुस्से, वो अभी गुस्सा हो गए. वह एक दूसरे से ऊपर चिल्ला चिल्ला के बताने लगे कि ऐसा करो वैसा करो उसके साथ. दे बिगेन टू क्राई आउट. वह अभी चिल्लाने लगे ऐसे. ओनली बीरबल वॉज साइलेंट. लेकिन जो बीरबल था वह कैसा था? वो साइलेंट था, शांत बैठा हुआ था. ही वॉज इवन स्माइलिंग अ लिटल. और उसके चेहरे पे हल्की सी खुशी थी, वह हंस रहा था. वॉट डू यू से बीरबल, वॉट इज योर ओपिनियन. तो राजा ने बीरबल को पूछ लिया, वॉट डू यू से बीरबल, तुम क्या कहते हो बीरबल, वॉट इज योर ओपिनियन, तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में, वॉट इज योर ओपिनियन, बताओ तुम्हारी क्या सलाह है. इन माई ओपिनियन. तो अकबर कहने लगा कि मेरे ख्याल से, ओ गिवर अ पीस ऑफ द वर्ल्ड. तो ये यहाँ पे जो इतना शोरगुल चल रहा है कि उसे मारो, सजा दो, उसके हाथ काट दो, यह सब स्टॉप किया जाए, शांति बनाए रखे. द ऑफेंडर शुड गिव हिम हिज फेवरेट स्वीट मीट. जो ऑफेंडर है, जो गुनहगार है, उसको क्या किया जाए, उसकी फेवरेट स्वीट मीट. स्वीट मीट मीन्स मिठाई. उसे जो कोई भी मिठाई पसंद है वो दी जाए. ऐसा सलाह किसने दिया? बीरबल ने. राजा बीरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड. तो वहाँ पे जो लोग थे वो कहने लगे कि राजा बीरबल, क्या आप माइंड आउट ऑफ माइंड हो गए, आपका दिमाग सटक गया है, क्या हुआ है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप,
आप कह रहे हो कि जिसने राजा की मूछें खींची है उसे मिठाई देनी चाहिए। गिव स्वीट मीट्स फॉर सच अ ग्रेव ऑफेंस, इतना गंभीर गुनाह करने के लिए उसे क्या देनी चाहिए, मिठाई देनी चाहिए कह रहे हो आप। द कोर्टियर्स बिगैन टू से, वहाँ पे जो बाकी के मंत्री थे वह यह कहने लगे। बीरबल स्माइल्ड, लेकिन बीरबल क्या कर रहा था, बीरबल हंस रहा था। एंड ऑफर एन एक्सप्लेनेशन, और वह क्यों स्वीट मीट्स देने चाहिए, उसको मिठाई क्यों देनी चाहिए, उसका भी वह एक्सप्लेनेशन देने वाला था, उसकी सफाई देने वाला था। यस, वो कहने लगा कि हाँ बिल्कुल भी सही है, क्योंकि उसे स्वीट मीट ही देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? हु वुड बी सो बोल्ड एज पुल द एम्परर्स मुस्ताच, किसमें इतनी हिम्मत है जो हमारे महाराजा, हमारे सम्राट जो है उनकी मूछें खींच सकता है। ओनली हीज ओन ग्रैंड सन, उनका जो पोता है, उनका जो नातू है, नाती है, वही उनकी मूछें खींच सकता है, क्योंकि वो तो बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसे थोड़ी ना पता है कि ये राजा है या महाराजा है, इसकी मूछें खींचने से मुझे सजा होगी, वो तो छोटा बच्चा है, उसे कुछ भी पता नहीं। तो वह उसके साथ खेलते खेलते उनकी मूछें खींच सकता है, किसी और में इतनी हिम्मत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। वेन अकबर हर्ड दिस, लेकिन जब अकबर ने यह सुना, ही बर्स्ट आउट लाफिंग, वह जोर जोर से हंसने लगा। क्यों हंसने लगा? बिकॉज दैट एग्जैक्टली वॉट हैड हैपन्ड इन द मॉर्निंग, और जैसा बीरबल ने कहा सेम वैसा ही सुबह है उसके साथ हुआ था। किसके साथ? राजा अकबर के साथ, उसके पोते ने ही उसकी मूछें खींची थी, इसलिए राजा अकबर जो है वह हंसने लगा। सो इन दिस वे आई एक्सप्लेन दिस फर्स्ट स्टोरी। नाउ क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट स्टोरी, सेकेंड स्टोरी आई विल एक्सप्लेन इन पार्ट टू। क्वेश्चन नंबर वन, हु वॉज द एम्परर अकबर, राजा अकबर कौन था? सो आंसर इज एम्परर अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड, वह दुनिया का एक महान राजा था। क्वेश्चन नंबर टू, वाई अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड, राजा अकबर को दुनिया का महान राजा क्यों कहा जाता है? बिकॉज ही वॉज अ गुड ह्यूमन बींग। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच आर द नाइन जेम्स और नवरत्नाज, नवरत्न कौन थे जो राजा अकबर के दरबार में थे, नाइन जेम्स वह कौन थे, उनके नाम लिखने हैं हमें। टेक अ हेल्प ऑफ इंटरनेट, आपको अब यहाँ पे इंटरनेट की हेल्प लेनी है। सो आई फाउंड फ्रॉम द इंटरनेट दिस नाइन जेम्स। सो क्या क्या नाम थे उनके? फर्स्ट इज अबुल फजल, सेकेंड इज राजा टोडरमल, थर्ड इज खान रहीम खाने खान, फोर्थ इज राजा बीरबल, उनका ही दूसरा नाम महेश दास था, फैजी, सिक्स नंबर फकीर कुमावत ए मंचला, सेवन नंबर तानसेन, एट नंबर राजा मानसिंह एंड नाइन नंबर मुल्ला दो प्याजा। ओके, सो दीज ऑल आर नाइन जेम्स। क्वेश्चन नंबर फोर, हु वॉज द क्लोजेस्ट टू द एम्परर अकबर्स हार्ट, राजा अकबर को सबसे ज़्यादा प्यारा कौन था इन नाइन जेम्स में से, सबसे करीब कौन था राजा के? सो आवर आंसर इज बीरबल वॉज द क्लोजेस्ट टू द एम्परर अकबर्स हार्ट, राजा के सबसे करीब बीरबल था, बीरबल को वह सबसे ज़्यादा पसंद करता था। हाउ वॉज एम्परर एंटर्ड इन द कोर्ट, राजा अकबर अपने कोर्ट में कैसे आया था? सो हाउ ही एंटर, एम्परर एंटर द कोर्ट विथ अ वेरी सीरियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, राजा के चेहरे पर बहुत ही गंभीर मुद्राएँ थी, सीरियस एक्सप्रेशन थे, और उसी के साथ वह कोर्ट में आया था। क्वेश्चन नंबर सिक्स, What question asked the emperor to courtiers? राजा ने अपने courtiers को, अपने मंत्रियों को क्या question पूछा, क्या सवाल पूछा था? So emperor asked the question, What should be the punishment for someone who pulls my moustache? अगर कोई मेरी मूछें खींचता है तो उसे क्या punishment देनी चाहिए, क्या सजा देनी चाहिए, ये सवाल उसने अपने courtiers को पूछा था। Now question number सेवन, What was Birbal's opinion on this question? तो बीरबल का इस क्वेश्चन के ऊपर क्या ओपिनियन था, क्या सलाह दी थी उसने? सो ऑफेंडर शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीट मीट्स, बीरबल ने कहा था कि जिसने भी ये गलती की है मूछें खींचने की, उसे क्या देनी चाहिए, उसे उसकी फेवरेट मिठाइयाँ देनी चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर एट, हाउ डिड अकबर रिएक्ट ऑन बीरबल्स ओपिनियन, बीरबल ने ये जो ओपिनियन बताया था इसके ऊपर राजा अकबर ने कैसा रिएक्ट किया था? सो आंसर इज अकबर बर्स्ट आउट लाफिंग, राजा हंस उठा था इस आंसर को सुन के। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन, हु पुल्ड द मुस्ताच ऑफ एम्परर अकबर, राजा अकबर की मूछें किसने खींची थी?
Sure answer is Emperor Akbar's grandson only pulled his mustache. तो राजा अकबर की मूछे उसके ही नाता या नाती या फिर पोता जिसे कहते हैं उसी ने उसकी मूछे खींची थी. सो दिस इज आवर क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. पहले स्टोरी के ये क्वेश्चन आंसर है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्यूरीज यू कैन राइट कमेंट सेक्शन. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.